ये देखिए पे खां पे ऊपर आलमारी के ऊपर आलमारी के ऊपर चढ़ के फिर यहाँ पे कर रही हूँ पुट्टी। और पुट्टी करने का ये था पात्रा जो कि हमसे बस में नहीं आया, ताबे में नहीं आया, ताबे में। तो हम लोग अभी कर रहे हैं भूत से। तो भूत से ऐसे पुट्टी ली और फिर ऐसे थेत ली। तो ये देखिए नया तरीका हमारा पुट्टी करने का। ये है एंड्रॉइड तरीका हमारा पुट्टी करने का। तो इस तरीके से पुट्टी आप लोग भी कर सकते हैं बहुत ही सस्ते तरीके से और बहुत ही फास्ट फास्ट तरीके से। क्योंकि हम इधर से पूरी की पुट्टी इस पातड़ी से की थी लेकिन हमारे बावड़े बाहर आ गए। पर क्या किया जाए, यदि इससे करें और लग रहे हैं पेंटर से क्योंकि धोले धोले हो गए पूरे के पूरे सफेद हो गए। तो ये देखिए अभी कर रहे हैं बुर्ज से। तो बुर्ज वाली और वो वाली पुट्टी दोनों सेम ही है। ये कड़ी नहीं है, ये है पुट्टी एकदम पक्की पक्की कलर की होती है, व्हाइट वाली है। तो आप ऐसे बने रहना ब्लॉग के साथ एंड तक। तब तक मैं पुट्टी पूरी खत्म कर लेती हूँ। हमारी छत के ऊपर से कितना खतरनाक वाला व्यू आ रखा है। और ट्रैक्टर वाला लेके जा रहा है माटी और हरियाली कितनी मस्त लग रही है। इधर मम्मी फूस गा रही है पशुओं को, पशु देखे कितने खतरनाक लग रहे हैं। मैं यहाँ पे ऊपर आई हुई थी क्योंकि पाइप लगा रहे थे, पाइप लगाया लेकिन पानी नहीं जा रहा है क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है। तेज बारिश, बादल बादल हो रखे चारों तरफ बहुत ही खतरनाक वाले बादल हो रखे। और इधर देखे कितना मस्त मस्त पेड़ पौधे हरियाली हरियाली नजर आ रही है। इधर हमारे पास एक है, अभी वापस जाऊंगी नीचे। एक बाल्टी ये रही, एक बाल्टी नीचे रखी हुई, दोनों बाल्टी लेके जाऊंगी। पानी डाल डाल के देख रहे थे कि पानी किधर जा रहा है लेकिन मारे किधर ही नहीं जा रहा, पागल हो गए पाइप। तो आप ऐसे बने रहना। आज हमारे यहाँ पे इतनी तेज वाली बारिश हो रही है, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। हमारे ट्रेन है तो ट्रेन की आवाज़ ज़्यादा आती है। तो काफ़ी दिनों से बारिश थोड़ी वो थी, मशक्कत में थी कि कब बरसूँ। तो आज थोड़ी बहुत हुई है, ज़्यादा तो नहीं हो पाई लेकिन थोड़ी बहुत हुई है। और हम लोगों ने जो पाइप लगाया था टेंट के, तो पानी दोनों साइड आ रहा है क्योंकि एक साइड बंद नहीं किया था वो भी चालू है। तो पता नहीं किधर जा रहा है किधर ना आ रहा है, लेकिन सारी जगह नहीं पड़ रहा है, वो इकट्ठा होके एक ही जगह पड़ रहा है। सुबह उठ के देखेंगे क्योंकि अभी तो अंधेरा हो चुका है, काफ़ी अंधेरे में दिखाई तो नहीं दे रहा है। फ़ोन लेके जाएंगे तो फ़ोन भीग जाएगा। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है, मेरे तो पूरा नाक ही जाम हो गया क्योंकि इस टाइम जो बारिश होती है वो अलग कुछ अलग किस्म की सी होती है, तो उससे सर्द गर्म लगने का ज़्यादा चांस रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सर्दी लग रही है। पहले हमारे यहाँ तेज़ आंधी आई, फिर अभी तूफान के साथ ही बारिश आ रही है, इसी में हवाएं तेज़ चल रही है और बारिश भी आ रही है, पता नहीं कितनी देर हो रहेगी। तो अभी हम लोगों ने खाना खुना खा लिया है, अभी हम लोग सोएंगे। तो आज तो आप सभी लोगों को गुड नाइट, आपको मिलेंगे सुबह, सुबह दिखाएंगे क्या क्या हुआ क्या ना हुआ। देखिए इतनी पुट्टी तो कर डाली, अभी इतनी बाकी हो रख गई। सामने सामने का पोर्शन है उसकी पुट्टी करेंगे। तो पुट्टी वाला एरिया देखो कितना मस्त लग रहा है, कितना शानदार लग रहा है। इसके ऊपर एक बार कलर और हो जाए ना तो और भी मस्त लगेगा, लेकिन पुट्टी कितनी मस्त लग रही है जैसे किसी मिस्त्री ने की हो। थोड़ी सी वो बाकी है, वो बाद में कर लेंगे, पहले और काम है वो करेंगे। और काफ़ी दिन हो गए व्लॉग आया नहीं क्योंकि तबीयत पानी थोड़ी ख़राब चल रही थी, डाउन चल रही थी, इसलिए नहीं आया पाया। और हमारे सरसों हुई है लगभग 5 बीघा ज़मीन थी उसमें बोई हुई थी, उसमें लगभग निकली हैं 6 बोरी सरसों निकली हैं और वो भी बेच के आ गए अभी। तो कम ही सरसों बैठी है क्योंकि सर्दी के कारण सारी फसल ख़राब हो गई थी।
तो आज के इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट में ज़रूर बताना कि किन किन के यहाँ पे सरसों ज़्यादा निकली है, किन के यहाँ कम निकली है। हमारे यहाँ तो बहुत ही कम निकली है, बस नाम मात्र की सरसों निकली है। तब तक के लिए बाय बाय टाटा।